जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, MP पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। यह एग्ज़ाम करीब 8 जनवरी से स्टार्ट होगा, करीब 1 महीने तक जाने वाला है। इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है, जाकर उसे जरूर देखिएगा। उसमें पूरी डिटेल बताई गई है कितनी वैकेंसी है, कब से एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और क्या क्या रूल्स हैं इस बार जो थोड़े से चेंज हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है। तो अगर आप MP की प्रिपरेशन कर रहे थे या MP की प्रिपरेशन आपने थोड़ी भी की है तो ये आपके लिए रिवीजन सीरीज हो सकता है। लेकिन अगर आपने MPPSC की मतलब MP पुलिस की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है तो जस्ट इन वीडियोस को एक बार दोस्तों बस देख लीजिए और थोड़ा सा 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और जाके एग्ज़ाम दे दीजिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा इन वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे आपके और जो साथी लोग हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। जिनके पास आपको कोचिंग लेने के पैसे नहीं है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आशा कर रहा हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। उसके अलावा आप 10 वीडियो और भी आ चुके हैं, उसको जाके जरूर देखिएगा। ये 11th पार्ट है वीडियो का। तो हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगता है। इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप बताने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो पढ़ के बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटे मैंने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए और टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम रहेगा। तो हम सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं तानसेन जी की, जिनको मियाँ तानसेन जी कहते थे। 1506 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और अकबर के 9 रत्न में से एक थे। इनका ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने को मिले। रामतनु पांडे जिनका नाम था। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताया कि तानसेन जी को जो रीवा के एक राजा थे रामचंद्र जी, उनके दरबार से कौन उठा के ले गए थे अकबर के दरबार में, ठीक है। उसके बाद उस्ताद हाफिज अली खां की हम बात करें, 1892 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और ध्रुपद ख्याल और ठुमरी जो राग होती है उसमें पारंगत हासिल किए हुए थे। इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बात करें पंडित कृष्णा राव, 1893 में इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। राजा भैया पूछ वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका नाम पूछा जाता है ओरिजिनल नाम। 1882 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में और इनका नाम रियल नाम था बाल कृष्ण आनंद राव अपेटकर। तो इसमें वी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करें उस्ताद आमिर खां है, आमिर खान एक्टर नहीं है, ठीक है। 1912 में इनका इंदौर में जन्म हुआ था और फेमस म्यूजिशियन थे। अशोक कुमार जिनका नाम दादा मुनि जी था, 1946 के आसपास इनका जन्म हुआ था खंडवा में और ये जो है इनको बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला है 1962 में 68 में और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण मिला। दादा साहब फाल्के 1988 में और 1999 में आपको पद्म भूषण मिला हुआ है और इनका निक नेम दादा मुनि था। ये पूछा जाता हुआ क्वेश्चन, दादा मुनि का रियल नेम क्या था, और ये अशोक ये किशोर कुमार जी के भाई थे। उसके बाद बात करें किशोर कुमार जी, इनका जन्म 1929 में खंडवा में हुआ था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, और प्लेबैक सिंगर थे और इनको 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, रिकॉर्ड टाइम है, ठीक है। और इसके साथ ये बहुत बड़े एक्टर भी थे। लता मंगेशकर जो 1929 में इनको स्वर कोकिला कहा जाता है, इंदौर में इनका जन्म हुआ था, हिंदी प्लेबैक सिंगर। 1947 में इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दाखिल किया गया था सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गाने गाने के लिए, ठीक है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी का गाना आपने सुना हो लता मंगेशकर जी का, उसमें हर इंसान रोया है। उसके बाद बात करें उनकी बहन आशा भोसले जी की, 1933 में इनका जन्म इंदौर घराने में हुआ था, इंदौर में हुआ था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में मिला हुआ है और ये भी प्लेबैक सिंगर थी है, मतलब अभी तो गाना बंद कर दिया लेकिन अभी है ही। जावेद अख्तर जी, अगर आपने शोले मूवी देखी हो, सलीम जावेद के लिए हुई वो मूवी है। इसके अलावा इनके बेटे भी बहुत अच्छे डायरेक्टर और एक्टर हैं, भाग मिल्खा भाग में उन्होंने एक्टिंग की है। तो 1945 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और किशोर कुमार अवार्ड मिला है क्रमशः 1999 में, 2007 में, 2004 में। अवार्ड किसी में मिला उतना याद रखना कोई जरूरी नहीं है, बट इनका जन्मस्थान जरूर याद रखिएगा। उसके बाद बात करें जया बच्चन जी के, 1948 में इनका जन्म हुआ था, जबलपुर में पैदा हुई, अमिताभ बच्चन जी की वाइफ है, अभिषेक बच्चन जी की माँ है और ये हिंदी एक्टर और राज्यसभा के MP हैं। इनको पद्मश्री मिला है 1992 में। हबीब तनवीर जी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें, 1923 में, अब रायपुर में हो गया है, पहले इनका रायपुर MP में आता था जब अलग नहीं हुआ था। तो ये फेमस हिंदी प्ले राइटर थे, इनको आगरा का बाजार और चरणदास चोर ये जो प्रोमिनेंट इन्होंने काम किया है इसलिए इनको अकेडमी पुरस्कार भी मिला हुआ है।
उसके बाद बात करें बाबा डीके जी की, बाबा डीके जी 99 में नीमच से, नीमच कैंट जो है वहाँ से इन्होंने कुटिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। रघुराम राजन का जी का नाम सबको जानते हैं, 1963 का जन्म भोपाल में हुआ था, 23rd गवर्नर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे। किस फील्ड में थे जरूर ध्यान रखिएगा, और इनकी एक फेमस बुक है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बोला जाता है, 1819 में महू नाम की एक जगह है जो इंदौर में पड़ती है, और इनका जन्म हुआ था वहाँ पे, और ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इंडिया के थे, और इनको मॉडर्न मनु कहते हैं क्योंकि मनु को कहा जाता है, मनु और शत्रुपा को कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया को स्टार्ट किया था, तो मॉडर्न मनु क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र भारत जो एक नई दुनिया जैसा था उनकी उसकी शुरुआत की थी, इनको भारत रत्न मिला है मरणोपरांत 1990 में, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, चंद्रशेखर आज़ाद जी का, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 1906 में अलीराजपुर में, जो पहले झाबुआ में पड़ता था लेकिन अलीराजपुर अलग हो गया है तो अभी अलीराजपुर में पड़ता है, और ये HRCA नाम कहते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट HRSA सोशलिस्ट एसोसिएशन उनके उसमें मेंबर थे, उनको इन्होंने काकोरी डकैती में भी बड़ा योगदान दिया था, और इन्होंने एक सुसाइड कर लिया था अल्फ्रेड पार्क में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे है। अनिल काकोडकर जी 1953 बड़वानी में पैदा हुए थे, और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और इनको पद्मश्री मिला है 98 में, और पद्म विभूषण मिला है 2009 में। बड़वानी में कौन से अनाज का रिसर्च सेंटर है आपको उनको कमेंट सेक्शन में बताना है। रमेश चंद्र लाहौती जी 1940 में पैदा हुए थे, गुना में पैदा हुए थे, और 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, गुना में आपका फर्टिलाइजर जो है उसका उसकी फैक्ट्री है, फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्री है। जस्टिस जी एस वर्मा 1933 सतना में पैदा हुए थे, 27th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, और 2013 में इनको पद्म भूषण भी मिला है। अगर आपने ये आप दिल्ली वाला रेप कांड जो निर्भया था उसमें जो कमेटी को लीड कर रहे थे जी एस जस्टिस वर्मा ही लीड कर रहे थे। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अभी रिसेंटली चेयरमैन कौन है, ठीक है। उसके बाद बात करें वारा मिहिर जी की, तो वारा मिहिर जी को माना जाता है कि जनक माना जाता है कि इन्होंने पहले ब्रह्मांड के बारे में, नक्षत्र के बारे में सब कुछ बताया था 5th century AD में, उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहस्त संहिता नामक दो बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा जी 1919 भोपाल में पैदा हुए थे, और 19th अगस्त 1918 में, और भोपाल 99 में एक्सपायर कर गए थे, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और इनका टर्म जो था 92 से 97 तक था, इसके पहले 8th वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनके बारे में एक स्टोरी है कि ये पहले जब जिसमें मध्य प्रदेश बना था तो इनको लोगों को लग रहा था कि शंकर दयाल शर्मा जी क्या शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ के CM बनेंगे, ठीक है, और पूरी तरह से भोपाल को पूरी तरह से सजा दिया गया था। बट उसके बाद आपको बताना है कौन MP के पहले CM बनाए गए थे। कैलाश सत्यार्थी जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC में पूछा गया है इसी साल, इनका विदिशा पूछा गया है जन्म स्थान, 1954 में पैदा हुए थे, बचपन बचाओ आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान था, 1918 जो स्टार्ट हुआ था, इनको नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। विष्णु श्रीधर वकांकर VS वकांकर इनका इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इस बार MPPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि VS वकांकर जी ने क्या खोज की थी, तो भीम बेट का साइड जो 1957 में खोज की गई थी, जो आपकी प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल जो रिमेंस मिलते हैं वो भीमबेटका केव से मिलते हैं, जो आपके आस रायपुर माफ़ कीजिएगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भोपाल के से करीब 40 किलोमीटर दूर है ये, तो नीमच में ये पैदा हुए थे 1919 में, और ये फेमस हिस्टोरियन और एक्सक्यूवेटर थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें कार्तिक आर्यन जी की, कार्तिक आर्यन जी 1990 में ग्वालियर में पैदा हुए हैं, और ये फेमस हिंदी फिल्म एक्टर हैं, इनके अगर आपने मूवी देखी है प्यार का पंचनामा देखी होगी, मैं मेरी पत्नी और वो देखी होगी, तो ये काफ़ी फेमस एक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, 1924 में ग्वालियर में पैदा हुए थे, और ये हिंदी पोएट भी थे, और जर्नलिस्ट भी थे, और एमिनेंट स्पीकर भी थे, ठीक है, और भारतीय जनसंघ जब बन रहा था तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसमें प्रेसिडेंट भी 1968 से 1973 तक रहे हैं,
और इनको भारत रत्न 2014 में दिया गया है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क में रहा है। अगर आपको याद हो 98 में जो पोखरण, जिसके ऊपर परमाणु मूवी बनी है, पोखरण टेस्ट जो किया गया था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे। उसके अलावा 1999 में जो करगिल युद्ध हुआ था, इसमें उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था पाकिस्तान से इंडिया को बचाने में। उसके बाद बात करें मंसूर अली खां पटौदी, 1941 में भोपाल में पैदा हुए थे, और ये नवाब पटौदी भी या टाइगर पटौदी भी कहा जाता है, ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इन्होंने भोपाल की बेगम से शादी की थी, ठीक है। उसके बाद बात करें राहत इंदौरी जी की, लास्ट ईयर इनकी कोरोना से ये एक्सपायर कर गए थे इंदौर में, 1950s में ये पैदा हुए थे, और ये बॉलीवुड लिरिसिस्ट हैं और उर्दू पोइट भी हैं। इनकी इनकी जो पोइट्री है सुनेंगे आप, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बात करें विजय राजे सिंधिया जी की, विजय राजे सिंधिया जी 1909 में पैदा हुई थी, सागर में ये पैदा हुई थी, ध्यान रखिएगा सागर में पैदा हुई थी, ग्वालियर में पैदा नहीं हुई थी, बाद में ये लोग सेटल हो गए थे ग्वालियर में जाके, बट ये पैदा हुई थी सागर में। और महेंद्र सिंह ठाकुर इनके पिताजी का नाम था, विजय राजे सिंधिया जो मतलब इनके पिताजी का नाम था, जो डिप्टी कलेक्टर थे जालौन डिस्ट्रिक्ट के, और इनकी माँ का नाम था विंध्येश्वरी देवी। विजय राजे सिंधिया का नाम शादी के पहले आपका लेखा दिव्येश्वरी था, बाद में इन्होंने नाम चेंज करके विजय राजे सिंधिया कर लिया था। इनके नाम पे एयरपोर्ट भी है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी है और एयरपोर्ट है और स्टेडियम का नाम भी है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से एयरपोर्ट का नाम विजय राजे सिंधिया के नाम पे है। उसके बाद बात करें माधवराव सिंधिया जी की, 1945 में पैदा हुए थे ग्वालियर में। ज्योतिराज सिंधिया इनके बेटे हैं, और ये पहले एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, अब ज्योतिराज सिंधिया बिहेवियर मिनिस्टर इस टाइम पे। तो माधवराव सिंधिया जो आपके 10 मार्च 1945 में सिंधिया फैमिली में ग्वालियर में पैदा हुए थे, और राजमाता विजय राजे सिंधिया के ये बेटे थे। इनके पिताजी का नाम जीवाजी राव सिंधिया था, ग्वालियर घराना में ये राजघराने में पैदा हुए थे, और 2001 में कांग्रेस लीडर रहे हैं उस टाइम पे, और जब ये एक्सपायर किए थे तो एक प्लेन दुर्घटना में ये एक्सपायर किए थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो जैसा भी लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।